हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सादा परत डालने का तरीका। तो दोस्तों, सबसे पहले जहां पर आपको परत डालना है उसमें रोड़ा कुटाई अच्छी तरीके से कर ले। ये देख सकते हैं 3 से 4 इंच दोस्तों रोड़ा कूट कर इसमें सफाई कर कर अच्छी तरह तैयार कर ले, और फिर इसके बाद लेवल के निशान लगा ले। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, लेवल के निशान ये चारों तरफ लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सूत बांधकर मसाला बनाकर आपको नक्ती कर लेनी है। ये जो निशान है दोस्तों उसका ढाल बनाना है आपको। तो जो पीछे से ढाल है हमारा दोस्तों, इसकी दुकान की लंबाई, ये दुकान का फर्श डल रहा है दोस्तों, तो पीछे से 23 इंची है। और जहाँ आगे दोस्तों ये ठिया लगा रखा है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों 24 इंची है। तो इस तरीके से आपको सारा ढाल निकाल लेना है। उसके बाद सूत बांध करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके ठिए लगाने हैं। मसाले की सहायता से आप दोस्तों ठिए लगा लें। इन ठिए से दोस्तों ये फ़ायदा होगा, जैसे कि आप परस लगाओगे तो इन्हीं के हिसाब से आपको जो मसाला पड़ेगा दोस्तों ढलाई होगी, तो इन्हीं के हिसाब से आपको फंटा चलाना है ताकि आपका लेवल सही से बना रहे। तो ये जैसे ठिया लगाया है, ये सूत बन रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आगे भी ठिया लगा लेना है। ये आप देख सकते हैं सूत की सहायता से ये ठिया लगा लिया है दोस्तों। और जहाँ पे आप दोस्तों मसाला लगाए, जो आपने रोड़े कूट रखे थे, इन पे अच्छी तरीके से पहले से दोस्तों फ्राई कर ले, ताकि आपका मसाला दोस्तों इस पर अच्छी तरीके से सेटिंग हो जाए। ये देख सकते हैं, इसी तरीके से जहाँ तक आपका सूत है उस पर ठिए लगा लेने हैं दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो ये आपका ठिया लगा होगा ये सूत से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप करने की सहायता से अच्छी तरीके से इसे ठिए को लगाएं, और ये सूत से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी दुकान में ठिए हमने लगा लिए। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, फंटे की सहायता से जो ये ठिए लगाए थे मसाला डाल करके दोस्तों, इसका लेवल इन ठियों के हिसाब से बनाना है दोस्तों। आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो देखनी है दोस्तों, नया मिस्त्री भी होगा वो भी इसे फर्श को डाल कर, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं, जो लाइन जो लगाई थी मसाले की फंटे की सहायता से, इस तरीके से आपको फंटी बीच में माल घेर के चलानी है, ताकि बीच में मसाला अवर ना रहे। फंटी इस हिसाब से चलाए कि दोनों साइड जो ये आप देख रहे हैं, जो ठिए लगाकर फंटे से मसाला लगाया था, तो इसी के ऊपर आपको फंटी दोस्तों चलानी है अच्छी तरीके से। तो हर जगह इसी तरह करना है। जो फंटी है जो आपने ठिए लगा रखे थे दोस्तों हमने पहले से, उन्हीं पे आपको फंटी चलानी है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, इसी तरीके से फंटी में नीचे दोस्तों मसाला नहीं छूटना चाहिए, तो आपका जो इसका ढाल है वो अच्छा बनेगा, ये देख सकते हैं आप। तो अब इसके बाद दोस्तों इस पर गुटाई करनी है, थोड़ा डस्ट छान करके आप मसाला तैयार करवा ले, और इसके ऊपर डस्ट छने हुए से इस तरीके से गुटाई करें दूसरे की सहायता से, ताकि आपका जो फर्श है वो अच्छा रहे दोस्तों। तो ये देख सकते हैं थोड़ी नाइट हो गई है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको भोला बनाना है, ये देख सकते हैं आप। भोला दोस्तों आपको बनाना है, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और ना ढीला होना चाहिए, अच्छी तरीके से उसे हाथ से मिलाए। भोला अगर आपका अच्छा होगा, और दोस्तों इसमें नया कट्टा यूज करें, जो बैग है आपका नया सीमेंट का बैग खोलें, क्योंकि पुराने जो घरे होते हैं सीमेंट के बैग, उनमें रोड़ी खुल जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, आप नया कट्टा खोलें और उसी के हिसाब से दोस्तों नीलू बनाएं। अब दोस्तों जो गुटके के दूसरी की सहायता से ये फर्श पर लगाया था, उसके बाद झाड़ू आपको लगा लेनी है दोस्तों। क्या होता कि रोड़ी, जैसे कि आपके पास जो मजदूर है वो मसाला लेकर जाता है, तो रोड़ी की सफाई कर ले। उसके बाद जो आपने भोला बना रखा है
उसे गिरी माले की सहायता से आपको फर्श पे लगाना है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको भी पूरे फर्श पे दोस्तों लगा लेना है। थोड़ी नाइट है दोस्तों, हमें देर हो चुकी थी, तो आप कुछ समझ सकते इस तरीके से ये आप लगा ले दोस्तों। जो गोला है अच्छी तरीके से, थोड़ा टाइट गोला होगा तो आपकी फिनिश अच्छी आएगी। तो इसके बाद दोस्तों आप फिनिश निकाल लें और आपका फर्श सालों साल चलेगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फर्श करने के बाद इसके 4 दिन आपको ट्राई करनी है दोस्तों, तो आपका फर्श बहुत ही सुंदर बनेगा। ये वीडियो हमारी दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।